नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। पटना में ऑक्सीजन मैन ने अपनी मां की पुण्यतिथि पर 10 जरूरतमंदों को दी साइकिल। कोरोना काल में संकट मोचन बनकर हजारों लोगों की जान बचाने वाले ऑक्सीजन मैन के नाम से प्रसिद्ध गौरव राय ने अपने माताजी आशा सिन्हा की पुण्यतिथि पर गुरुवार को बिहार के विभिन्न क्षेत्रों के 10 जरूरतमंदों को साइकिल दी। मौके पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह विधायक जीवेश मिश्रा, विशिष्ट अतिथि युवा नेता अभिमन्यु यादव, प्रीति प्रिया, लेखक रत्नेश्वर, डॉक्टर रत्नेश चौधरी, गोपाल विद्यार्थी, कुमार पद्माकर, रिपुराज, संजय सहाय, प्रवीण शेखर, संजय कुमार, नीरज अनंत अरोड़ा, रुचि अरोड़ा, राजेश बजाज, मुकेश हिसारिया सहित अन्य गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से चयनित छात्रों व जरूरतमंदों को साइकिल दी। इससे पूर्व अतिथियों ने आशा सिन्हा के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं गौरव राय ने मौजूद अतिथियों को अंगवस्त्र और मिथिलांचल का पाक देकर सम्मानित किया। मौके पर अजित कुमार बबलू और डॉक्टर रत्नेश चौधरी, प्रीति प्रिया, प्रभात कुमार और उत्तम कुमार को भी समाज में अच्छे कार्य करने के लिए गौरव राय द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पत्रकारों से हुई बातचीत में पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि गौरव राय सदैव समाज के उत्थान के लिए सार्थक प्रयास करते रहे हैं। जीवेश ने गौरव के इस कार्य को खूब सराहते हुए कहा कि समाज के लोगों को भी इनसे सीख लेने की जरूरत है ताकि समाज का उत्थान हो सके। वहीं युवा नेता अभिमन्यु यादव ने बताया कि इस कार्य से समाज के जरूरतमंदों की सीधे मदद हो सकती है। समाज के हर संपन्न लोगों को अपने समाज के पिछले पायदान के लोगों की सहायता हेतु आगे आने की आवश्यकता है। गौरव और उनकी पत्नी अरुणा भारद्वाज ने आगंतुक सभी मेहमानों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया। हमेशा से गौरव का जो व्यवहार और जो लोगों के बीच में जो प्रेरणा रहा है, जिस प्रकार से हमेशा लोगों के बीच में सेवा के तौर में लोगों को हमेशा जो जरूरतें चीज़ें रही उनको देने का काम किया है। इसी दरमियान आज उनकी माता जी का पुण्यतिथि, हमारे अभिभावक पूर्व मंत्री दिनेश मिश्रा जी और वर्तमान विधायक के साथ इस मौके पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं हम अपने अभिभावक गौरव राय जी का। और इस कार्यक्रम में पिताजी को भी आना था लेकिन विशेष सत्र चलने की वजह से वो आ नहीं सके, और इस पुण्य कार्य में मुझे भी शरीफ होने का मौका मिला और बच्चों को साइकिल देने का, सब लोग मिलकर माहौल बनाए कि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई भी आवश्यकता हो तो हम लोग आगे भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव राय जी समाज सेवक हैं और लगातार कोविड काल में इन्होंने लोगों की जान बचाने का काम किया था। खुद से प्रेरणा लेकर के ऑक्सीजन मैन के नाम से इस पटना में जाने गए और अपना लाखों रुपया लगा करके ऑक्सीजन खरीद करके ऑक्सीजन के अभाव में मरने वाले लोग को किस प्रकार बचाने का काम इन्होंने किया। और लगातार सामाजिक क्षेत्र में ये काम करते रहते हैं। मैं कई बार इनका पोस्ट सोशल मीडिया से देखता रहा और एक जुड़ाव इनसे हुआ इनके सोशल एक्टिविटी के कारण। और मैं कई बार इनके द्वारा छोटे बच्चे को, अनाथ बच्चे को, जिनके गार्जियन साइकिल खरीद कर नहीं दे सकते हैं, स्कूल नहीं जा सकते हैं, ऐसे बच्चे को चिन्हित करके ये कई बार साइकिल वितरण का कार्यक्रम कर चुके हैं। 2-3 बार तो मुझे अवसर मिला है इनके साइकिल को डोनेट करने का उन बच्चों को। तो मैं गौरव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ एक अद्भुत काम करते हैं बेटियों के लिए, ये हर स्कूल में सैनिटरी पैड का मशीन लगाने का भी काम अपने स्तर से करते हैं जो सरकार को करना चाहिए। इस पुनीत कार्य को भी स्कूल स्तर पर जाकर करते हैं और आज इनके माता जी का जो पुण्यतिथि थी, इस अवसर पर इन्होंने आज 10 बच्चों को ऐसे ही अनाथ, ऑर्फन, कमजोर, वंचित, शोषित वर्ग के बच्चों को 10 बच्चों का सिलेक्शन कर साइकिल देने का काम किया। इस अवसर पर मैं उनको साधुवाद देता हूँ। इनको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ कि आज इस 10 साइकिल से अब तक दिए गए टोटल साइकिल की संख्या 200 हो गई है, इसलिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।